सर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम महंगाई से राहत दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उनको राहत नहीं मिल रही। पार्टी है जो जुलाई अगस्त में बजरी का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जुलाई अगस्त में बजरी का खनन होता ही नहीं। की बार आप बिजी रहते हैं तो किस प्रकार से क्या कुछ जनता के लिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ उमेदा राम जी बेनीवाल हैं। आज नवातला में जनसभा थी, इनकी क्या कुछ कहते हैं हम जानते हैं। सर आप क्या कुछ कहना चाहिए, आज किस प्रकार से जनसभा रही। आज सदस्यता महाअभियान जो हमारा 31 जुलाई को शुरू हुआ, 31 अगस्त तक चलेगा। उस सदस्यता अभियान के तहत गांव गांव तक जाने के और सदस्य अभियान बनाने के तहत आज नवातला मुख्यालय पर जो सदस्यता अभियान की मीटिंग रखी गई, बड़ी शानदार और जानदार मीटिंग हुई और लोगों का बहुत ही अच्छा रुझान है आरएलपी पार्टी के प्रति। 36 कौम का लोग आरएलपी पार्टी के ऊपर विश्वास है, क्योंकि जनता पूरी राजस्थान के अंदर कुशासन या भयंकर व्यप्त भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ जनता उब चुकी है और महंगाई के नाम पर जो राजस्थान सरकार ये ढोंग रच रही है, इससे भी जनता बहुत परेशान है। इसलिए जन आशीर्वाद बड़ा अच्छा मिल रहा है हमको। सर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम महंगाई से राहत दे रहे हैं, वो स्मार्टफोन बांट रहे हैं, फूड पैकेट योजना दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उनको राहत नहीं मिल रही। देखिए, फूड पैकेट बांटे जैसी स्थिति अपने यहाँ नहीं है, वो समझ रहे हैं वो पश्चिम बंगाल और उधर बिहार की और पश्चिम दक्षिणी राज्यों की नकल कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान की जनता बहुत समझदार है। वैसे उनके झांसों के अंदर नहीं आती, 2 किलो आटा और 100 ग्राम मिर्ची और धनिया पाउडर के चक्कर में जनता बिल्कुल नहीं आने वाली है। जनता को अगर वाकई में महंगाई से राहत देनी है तो बजरी सस्ती करे, पेट्रोल डीजल के ऊपर राहत दे, तब जाके महंगाई से राहत मिलेगी। नहीं तो गैस की टंकी 500 रुपये सस्ती सुना दी, लेकिन मिली किसी को नहीं है। बिजली फ्री की बताई है, लेकिन बिजली आ ही नहीं रही है और बिल वैसे के वैसे आ रहे हैं जो पहले के आ रहे हैं। और जो मोबाइल की बात करें तो स्कूलों के अंदर अध्यापकों की बहुत भारी कमी है। अगर इतने ये पैसे जो 40-50 हज़ार करोड़ रुपए ये खर्च किए हैं, इसी पैसे से अगर अध्यापक लगा देते, स्कूलों के अंदर भवन बनाते, अच्छी व्यवस्था करते तो शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होती, लेकिन ये पैसों की बर्बादी है और लोगों को लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं और जनता इस झांसे के अंदर बिल्कुल आने वाली नहीं है। आरएलपी पार्टी है जो जुलाई अगस्त में बजरी का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जुलाई अगस्त में बजरी का खनन होता ही नहीं। बिल्कुल, बजरी का मुद्दा जब से ये बजरी का लुटेरा ठेकेदार आया उसी दिन से हमारा मुद्दा चालू है और उसी दिन से धरना प्रदर्शन और बिल्कुल उनके खिलाफ प्रदर्शन हमारा चल रहा है। ये तो बिल्कुल बेका उनका जो हड़बड़ाहट के अंदर ये बयान दे रहे हैं कि जनता ये बजरी का आंदोलन पूरा जन आंदोलन का रूप लेके पूरे राजस्थान की जनता त्रस्त है और जनता के रूप में पूरे घर घर तक आंदोलन पहुंच गया है। इसलिए मजबूर होकर उनको ये उल्टे सीधे अनगल बयान देने पड़ रहे हैं। कभी बोल रहे हैं बजरी बहुत सस्ती है, कभी बोलते हैं बजरी की रेट बाड़मेर में सस्ती है, कभी बोल रहे हैं महंगी है, लेकिन उल्टे सीधे बौखलाहट के अंदर ये बयान दे रहे हैं। इनको खुद को पता नहीं है हम क्या बोल रहे हैं। धन्यवाद सर। सर अब की बार आप बिजी रहते हैं तो किस प्रकार से क्या कुछ जनता के लिए करेंगे। देखो, जनता का आशीर्वाद रहेगा तो मेरा सबसे पहला काम होगा कि स्कूलों के अंदर शिक्षा की व्यवस्था अच्छी करें और स्कूलों को एक मॉडर्न स्कूल के रूप में डेवलप करके शिक्षा की व्यवस्था सबसे अच्छी हो और किसानों के लिए बिजली फ्री हो, टोल मुक्त राजस्थान हो, और यही प्रमुखता से जो मुद्दे हैं जो हमेशा जो लोगों के काम में आते हैं, सड़क पानी बिजली, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा और मेन फोकस हमारा शिक्षा के ऊपर रहेगा, क्योंकि शिक्षित होकर लोग समझदार हो जाएंगे तो सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा ऑटोमेटिक। धन्यवाद। ये थे उमेदा राम जी बेनीवाल जो ये कहते हैं कि किसानों के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, SKZ TV।